सीरियल चंद्र नंदिनी में नंदिनी के महल से जाने के लिए मना करने के बाद अब चंद्र दुर्धरा के मौत की सच्चाई का पता लगाने में लगे हैं। उधर सबूत ढूंढते ढूंढते चंद्र को हेलेना के हाथ और दुर्धरा का पत्र मिल जाता है और वो सच्चाई जान जाते हैं। लेकिन पत्र में लिखा गया दुर्धरा का वो शब्द अभी भी चंद्र की समझ से बाहर है, इसलिए चंद्र ने चाणक्य के कहने पर महल में इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये वो कौन है जिसके बारे में दुर्धरा ने लिखा था। इसी बीच चंद्र का सामना नंदिनी से हो जाता है, जिसके लिए चंद्र को उसके साथ तलवारबाजी करनी पड़ती है। दरअसल आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि चंद्र अपने मुंह को ढककर पूरे महल में इस बात की जांच कर रहे होते हैं। तभी नंदिनी चंद्र का ढका हुआ चेहरा देखकर उस पर शक करती है। वैसे चंद्र नंदिनी से बचकर निकलना चाहते हैं, लेकिन नंदिनी उसे अनजान व्यक्ति समझकर रोकती है और पूछती है, लेकिन चंद्र कोई जवाब नहीं देते। तब नंदिनी चंद्र के साथ युद्ध करने पर उतर आती है। अब नंदिनी को ये नहीं पता कि वो चंद्र है, इसलिए अनजाने में चंद्र के साथ वो युद्ध कर बैठती है। फिर तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे चंद्र और नंदिनी का ये युद्ध थमता है और कौन जीतता है इस युद्ध में। टीवी दुनिया से जुड़ी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से प्रिया की रिपोर्ट।